अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वायरल टिकटॉक रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। ये आजकल बहुत ही इन है, इसे मैंने अपने हिसाब से बहुत आसान तरीके से आपके लिए बनाया है। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। ये छोटे, बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने उबालने के लिए रख दिए। इनको फुल डन करना है। ये बॉईल हो रहे हैं, हम लोग इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 लहसुन लिए मैंने, इनको मैं बारीक बारीक चॉप करूंगी। ये देखिए लहसुन मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन लिया है। अब हम मक्खन लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च, हल्की सी मोटी है, बिल्कुल बारीक नहीं है ये। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो और 2 टेबलस्पून हम लेंगे चॉप कोरिएंडर। इन सबको हम बटर के अंदर डाल देंगे। मक्खन को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, इस तरीके से देखें, थोड़ा सा पिघला लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया था। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। और ये सारी चीज़ें इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमारी मैरिनेशन डन हो गई है। इन आलू को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था, सारी मट्टी वगैरह निकाल के फिर इनको मैंने बॉईल किया था। और इनको हम छिलके समेत ही बनाएंगे। ये देखिए हल्का सा इसको एक साइड से बस हमें हल्का सा दबाना है इसको, बस ये इस तरीके से। आलू बिल्कुल अलग ना हो, बस ये थोड़ा सा टूट जाए। तमाम आलूओं पर थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे लगा के इसको एक प्याले में रखते हैं। एक पैन में बिल्कुल मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है ताकि चिपके नहीं, और सारे पोटैटोस को इसमें हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको एक साइड से सेक लिया है और दूसरी साइड पर पलटने के बाद इस पर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रख दी है और इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि चीज़ पिघल जाए। तो इससे भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसे दोनों तरीके से खाया जा सकता है। इसके साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे एक सॉस, बहुत ही मज़ेदार सी। इसके लिए हम लेंगे 4 टेबल स्पून केचप। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मेयोनीज, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें थाइम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑरेगानो भी डाल सकते हैं। मैंने केचप थोड़ी ज़्यादा डाली है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून मेयोनीज भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारी सॉस डन हो गई। बहुत मज़े की सॉस होती है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। इवन ये पिज़्ज़ा फ्राइज वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी सॉस भी रेडी हो गई और हमारे चीज़ वाले पोटैटो भी रेडी हो गए हैं। तो ये दोनों तरीके से बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। जज़ाकअल्लाह।